आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? 8,000 रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे? किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान, हम कहाँ जाएंगे? जनता एक हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, एक हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का, बताओ कहाँ जाएंगे हम? बच्चे अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ पढ़ाएंगे, हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं खत्म हो गया, जवान जवान आए थे बुढ़े बुढ़े हो गए यहाँ पे रखते रखते, ना काम है ना मकान है ना कुछ, रहने के लिए घर है और नोटिस लगा दिया। ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया, ये क्या बात है? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है। मकान मांगने के उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खेर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीबी आदमी, कहाँ नहीं। और हम कहाँ जाएंगे, घर कर देंगे हम तो, रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें तो घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ गए? फार्म भर भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह लोग के दे दिए, धक्के खाते फिर हैं। चंडीगढ़ दे विच मुख तौर ते सिटी ब्यूटीफुल बनाउण ते स्लम फ्री बनाउण ते सरकारी जमीन दे कब्जे छुड़वाउण दी दिशा दे विच प्रशासन वल्लों 2 होर कलोनियां ते एक्शन लै लिता जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 दी संजय कलोनी ते जनता कलोनी ते सैक्टर 25 दे विखे भी ढहाउण दी चेतावनी दा बोर्ड लगा दिता गया ते कदे भी प्रशासन इन्हां अवैध कलोनियां ते बुलडोजर चला सकदा है। स्टेट ऑफिस ने इन्हां दोवां कलोनियां दे वासियां नूं जल्दी जगह खाली करन दा आदेश भी दिता है। नोटिस दे जरिए संजय कलोनी दे विच रह रहे लोकां नूं भी कहा गया है कि सरकारी जमीन है ते इस दे गैर कानूनी तौर ते झुग्गियां बना के कच्चे मकान बनाए गए हन ते 21 दिनां दे दरमियान कलोनियां नूं ढहाउण दी चेतावनी कही गई है। इसे तरह जनता कलोनी दे विच भी अवैध ढांचे नूं 7 दिनां दे विच ढहाउण दी गल कही गई है। हमारे बच्चे आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? घर से रह रहे हैं, हमारे को तो 40 साल हो गए यहीं पर, हमारे घर वाले भी यहीं मर गए, हमारे सास ससुर भी यहीं मर गए हैं। 8,000 रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे? झुग्गी 33 साल है, जिनके नहीं प्रूफ है उनको तो दे दिए हैं पहले, और जिनके प्रूफ है उनको ऐसे ही बैठे ऐसे ही बुलडोजर घुमाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे हम? एक हफ्ता समय बहुत नहीं कम है, एक हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, एक हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का, बताओ कहाँ जाएंगे हम? यहाँ 7 साल हो गए, ये शौचालय बना रखा मोदी ने, बताओ हमारे लिए नुका मोदी ये कर रहा है वो कर रहा है, गाँवों में हरियाणा में इतना करा, हमारी अभी पेंशन मिली है, विधवा पेंशन वो भी नहीं आई है हमारी, मतलब क्या खाएंगे, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं टाइम पे। मैं यहाँ पे 20 साल हो गया, हमारे बच्चे अभी 3 साल से घर में बैठे थे, पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही थी, अब आपने बच्चों को एडमिशन कराए हैं, अभी बच्चे हमारे स्कूल में जाने शुरू हुए हैं, ऑटो लगा रखे हैं सारे, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, किसी का हमारा कुड़िया काम है, कोई प्राइवेट काम करता है, हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत कम समय दिया हमें 7 दिन का, कम से कम 1-2 महीने का समय तो देना था हमें भी, जैसे 4 नंबर कॉलोनी में 2 महीने का टाइम दिया था, फरवरी में नोटिस लगाया था वहाँ पे, अप्रैल में झुग्गी तोड़ी, 30 अप्रैल को लास्ट में, हमें कोई हफ्ते का टाइम देगा, हफ्ते में हम कहाँ जाएंगे? एक हफ्ते में हमें कहीं किराए पर भी रूम नहीं मिलेगा। किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान, हम कहाँ जाएंगे जनता? वो हमारे से वादा करके गई थी, अब हमारा कुछ तो करो है नहीं, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? हमें तो ये 17-18 साल हो गए रखते रखते, तो यहाँ तो नोटिस लग गया, अब कहाँ बनाएंगे सियाना, आप घर कहाँ बनाएंगे? बच्चे अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएंगे, हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं खत्म हो गया, जवान जवान आए थे बुढ़े बुढ़े हो गए यहाँ पे रखते रखते, ना काम है ना मकान है ना कुछ, रहने के लिए घर है और नोटिस लगा दिया, अब सोच रही बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है। ये गलत है, इस तरह लगाना तो ठीक नहीं है ना, पहले कार्रवाई करनी चाहिए,
सर्वे करने चाहिए, ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया, ये क्या बात हुई? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है, कहाँ जाएंगे बंदे एकदम से? 5,000 रुपये किराया है क्या? तो ज़मीन दो या प्लॉट तो कुछ तो दो ना। जिनको मिल गया, जिन्हें मिल गया मकान वाले, वो फिर भी झुग्गी में पड़े हैं, उनके करके तो सारा पंगा ही पड़ रहा है। समय भी बहुत कम दिया, समय कहाँ दिया? समय भी बहुत कम है। 7 दिन में क्या कर लिया बंदा? नौकरी करने वाला एकदम से नौकरी छोड़ देगा या मकान ढूंढेगा? मकान मांगने की उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खैर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, कहाँ नहीं, हमारी कोई सहायता नहीं हो रही, ना हमारे नौकरी है, ना हमारे घर है, तो हम कहाँ जाएंगे? और हम कहाँ जाएंगे? घर कर देंगे हम तो, रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें तो घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ ले गए? बच्चों को कहाँ लेके जाएं? बच्चों का स्कूल का सब सब कुछ ठीक है सर, लेकिन हम लोग काम धंधा कहाँ करेंगे जो कोठियों में काम करते हैं? इतनी इतनी दूर किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, जहाँ भी मिलेंगे कैसे कामों पे आएंगे अपने? फार्म भर भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह ले ब्लॉक के दे दिए, धक्के खाते फिर हैं। हैं आज तक के नाम जो हमें वो नहीं दे, जो मैं अंदर तो बंदा बैठा हूँ ना मकान नहीं मिले, जो कल का है तो उन्हें मकान मिले हुए कहाँ है ये कानून? दस दईए कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस वालों कलोनी नंबर 4 दे विच 2500 दे करीब गैर कानूनी ढांचे ढहा दिते गए सी, ते इस दे विच लगभग 2000 पुलिस जवान तैनात किए गए सी, ते 10 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की देखरेख दे विच ए ड्राइव चलाई गई सी, ते इस दे नाल कलोनी दे विच कलोनी दे दरमियान 500 मीटर दे दायरे दे विच धारा 144 लगाई गई सी, ते इस दे नाल ही 5 या इस तों बाद लोकां नूं इकट्ठे होण दी पाबंदी भी लगाई गई सी, ते दस दईए कि इस दरमियान 65 एकड़ जमीन खाली करवाई गई सी, जिस दी कीमत लगभग 2000 करोड़ दसी जांदी है। जगवाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।